हेलो नमस्कार जैन। इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय बजट 2024-25 का समग्र विश्लेषण करेंगे। जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आने योग्य कुछ प्रश्न हैं उनका उन पर फोकस करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे और केंद्रीय बजट 2024-25 जो पेश हुआ है उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, उसके कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ क्या प्रभाव पड़ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था इस बजट के अनुसार किस ओर इंगित हो रहा है। तो देखते हैं इस बजट के विश्लेषण के बारे में। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिल पाए। बजट के बारे में अगर हम बात करें तो बजट व्यय कर लेन देन और योजनाओं का एक ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि सरकार ने कितने व्यय किए हैं, कितने कहां खर्च किए हैं, कर टैक्स कितना वसूला है, कितना या लेन देन कितना किसी से लिया है, कितना किसी से उधार दिया है, उसका ब्याज दिया इत्यादि चीज़ें, विभिन्न प्रकार की योजनाओं में कितना पैसे खर्च हुए हैं, तो इन सब चीज़ों का एक ब्लूप्रिंट जो होता है पिछले वर्ष का और आगामी वर्ष का, इसका एक ब्लूप्रिंट होता है मोटा मोटी तौर पर। इसे बजट कहते हैं। अनुच्छेद संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन है, बजट का वर्णन है। हालांकि बजट नाम नहीं है, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से है, बजट नाम से नहीं है, आर्टिकल 112 में है। केंद्रीय बजट 2024-25 के सरकारी राजस्व प्राप्तियों एवं लेखा जोखा के बारे में अगर हम बात करें तो रुपया, सबसे पहले बात करें रुपया कहाँ से आता है, तो सबसे अधिक उधारी और अन्य देवताओं से, अन्य देवताएं से 27% रुपया आने की बात की गई है। उसके बाद आयकर से दूसरे नंबर पर, आयकर से 19%, तीसरे नंबर पर जीएसटी से 18% और चौथे नंबर पर निगम कर यानी कि कॉरपोरेट टैक्स पे 17%। तो ये चार चीज़ों को घटते क्रम में याद रखना है। पहला 27% उधार से, दूसरे नंबर पर आयकर इनकम टैक्स से 19%, तीसरे नंबर पर जीएसटी तीन है लेटर है तो तीसरे नंबर पर जीएसटी और निगम कर कॉरपोरेट टैक्स जो है कि 17%। रुपया कहाँ जाता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक करों एवं शुल्कों में राजस्व का हिस्सा देने में राज्यों को, करों एवं शुल्कों में राज्यों को हिस्सा देने में सबसे अधिक जाता है 21%। करों एवं शुल्कों में राज्यों को, विभिन्न राज्यों को हिस्सेदारी देने में सबसे अधिक जा रहा है 21%। दूसरे नंबर पर ब्याज का भुगतान करने में, जो सबसे अधिक उधार लिए हैं उस उधार का ब्याज भुगतान करने में 19% दूसरे स्थान पर जाता है और तीसरे स्थान पर जो है कि 16% जाता है केंद्रीय क्षेत्र स्कीम में, रक्षा सब्सिडी पूंजीगत इत्यादि व्यय में जाता है केंद्रीय क्षेत्र स्कीम में 16%। तो घटते क्रम में तीन यहां से याद रखना है, सबसे अधिक 21% करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा देने में, दूसरे स्थान पर ब्याज के भुगतान में और तीसरे स्थान पर केंद्रीय क्षेत्र स्कीम रक्षा और सब्सिडी के संबंध में यहां पर जाता है तीसरे स्थान पर। तो चार वहां से याद रखना है, तीन यहां से याद करना है। उसके बाद हम देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संकेतक के बारे में अगर हम बात करते हैं, चालू खाते घाटे में सुधार के बारे में अगर बात करें, करेंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बात करें हम मोटे तौर पर, इसके बारे में हम बात करें तो करेंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब यह है कि सरकार ने कितने राजस्व प्राप्त किए हैं और कितने खर्च किए हैं, उसका अंतर ही करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है। डेफिसिट मतलब घाटा, और जितना घाटा कम होगा सरकार के लिए और जो इकोनॉमी के लिए उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो जितना घाटा कम होगा, करेंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते घाटे में सुधार हो रहा है। तो आप यहाँ पर ग्राफ दे सकते हैं, यहाँ से ग्राफ काफ़ी तेजी से घट कर आया है, हालांकि इस समय फिलहाल थोड़ा बहुत बढ़ रहा है ग्राफ। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 8.2% रही है, 8.2% से भारत का विकास हो रहा है, 8.2% से विकास दर बढ़ना एक अच्छा संकेतक होगा अर्थव्यवस्था के लिए। आप यहां पर ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ जो है कि लगभग फ्लैट टाइप का है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक ठाक है। अभी फिलहाल जो है कि 2022-23 से लेकर 2023-24 में अभी इसका ग्राफ बढ़ रहा है, 8.2% की दर से वृद्धि कर रही है। विस्तारित पीएमआई इंडेक्स के बारे में बात करें, पीएमआई का मतलब होता है परचेसिंग मैनेजमेंट इंडेक्स, तो पीएमआई इंडेक्स के बारे में अगर बात करें, ये सर्विसेज का है, ये सर्विसेज का डाटा है, ये वाला सर्विसेज का डाटा है और ये वाला मैनेजमेंट का डाटा है, तो ये भी ठीक ठाक ही है, यानी कि 50% से ऊपर रहता है तो ठीक ठाक ही माना जाता है, तो 50% से ऊपर ही है तो ठीक ठाक है, इकोनॉमी में ठीक ठाक। हालांकि कुछ जानकारों को यह भी मानना है कि सरकार ने डाटा वहीं प्रदर्शित किया है जो उसके अनुसार है, सरकार के अनुसार है, और जो सरकार की कमियों को बताता है वो डाटा सरकार ने प्रदर्शित नहीं किया है, ये अलग बात है। हमारा काम है डाटा को आपके सामने रखना।
तो हम डाटा को आपके सामने रख रहे हैं। एसबीसी के सकल एनपीए में कमी, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि बैंकों को लोन देने के बाद बैंक जो लोन जो डूब जाते हैं, लोन आने की संभावना नहीं होती है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग्स जिनके आने की संभावना कम हो जाती है एनपीए कहता है। जो ऐसे बैंक जो ऐसे लोन जो डूब जाते हैं तो उनमें कमी होगी तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। हालांकि पहले एनपीए में काफ़ी बढ़ोतरी आई है, 2015 से लेकर 2018 तक काफ़ी बढ़ोतरी आई एनपीए में, उसके बाद लगातार एनपीए घट रहा है, तो एनपीए का घटना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। जीडीपी के परसेंटेज के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय घाटे में परसेंटेज के रूप में जीडीपी के परसेंटेज के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी आ रही है और कमी का आना बिल्कुल अच्छी बात है। आप देख सकते हैं 9.2%, फिर 6.7%, 6.4%, इस समय 5.6%, 5.6% की रेट से कमी आ रही है जीडीपी में राजकोषीय घाटे में। मुद्रास्फीति नियंत्रक के बारे में अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति नियंत्रक काफ़ी घट रहा है, फिलहाल मुद्रास्फीति नियंत्रक काफ़ी घट रहा है, यानी कि मुद्रास्फीति या महंगाई घट रही है, इस सरकार का डाटा है कि महंगाई घट रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन काफ़ी 8-9% तक चला गया है, तो फूड इन्फ्लेशन काफ़ी है। बाकी फूड इन्फ्लेशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी महंगाई घट रही है, अगर ये ग्राफ सही है तो ये इकोनॉमिक्स के लिए, हमारी इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा है। किस पर कितना खर्च किया है सरकार ने, देखिए रक्षा पर सबसे अधिक खर्च क्या है, 4,54,773 करोड़ रुपए। उसके बाद ग्रामीण विकास पर खर्च क्या है, 2,65,808 करोड़ रुपए। उसके बाद कृषि एवं संबंध कार्यकलाप पर खर्च क्या है, 1,51,851 करोड़ रुपए। उसके बाद गृह पर क्या है, 1,50,983 करोड़ रुपए। उसके बाद शिक्षा पर 1,25,638 करोड़ रुपए, शिक्षा वाला ध्यान रखेंगे, 1,25,638 करोड़ रुपए। और सबसे अधिक रक्षा पर व्यय हुआ है तो रक्षा वाला भी ध्यान रखेंगे, 4,54,773 करोड़ रुपए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि रक्षा के बाद ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया है, और ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया इसलिए ग्रामीण विकास वाला भी महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण ये भी महत्व रखता है, 2,65,808 करोड़ रुपए। तो सबसे पहले शिक्षा रक्षा पर, तो रक्षा वाला ध्यान देंगे, उसके बाद ग्रामीण विकास पर ध्यान देंगे, और उसके बाद शिक्षा वाला ध्यान देंगे, 1,25,638 करोड़ रुपए। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार पर 1,16,342 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य पर 89,287 करोड़ रुपए, ऊर्जा पर 68,769 करोड़ रुपए, समाज कल्याण पर 56,501 करोड़ रुपए, वाणिज्यिक और उद्योग पर 47,559 करोड़ रुपए। प्रमुख योजनाओं पर कितना आवंटन किया गया है, देखिए सौर ऊर्जा ग्रिड पर 4,970 से 10,000, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। आईडीई स्कीम अधीन के तहत क्रेडिट लाइन पर इसमें बढ़ोतरी हुई है। सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण पर, डिस्प्ले विनिर्माण इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। प्रत्यक्ष लाभ आवंटन एलपीजी पर इसमें बढ़ोतरी हुई है। मनरेगा में भी बढ़ोतरी हुई है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि पिछले बजट में मनरेगा में कटौती की गई थी, हालांकि इस बार मनरेगा में बढ़ोतरी की गई है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना पर बढ़ोतरी की गई है। अनुसंधान और विकास परियोजना पर भी बढ़ोतरी हुई है। औसत उद्योग के लिए एलपीआई पर इस पर भी बढ़ोतरी हुई है। देखिए बढ़ोतरी हुई है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बढ़ोतरी तो होना ही है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बढ़ोतरी होना लाजमी बात है, लेकिन बढ़ोतरी कितना हुआ है, कितना बढ़ोतरी होना चाहिए और कितना हुआ है, इसका तो अगर विश्लेषण करें तो भारी पड़ जाएगा, तो उसका विश्लेषण नहीं करते हैं हम, वहीं बताते हैं जो डाटा अवेलेबल है। बजट 2024 के पिलर 9, बजट ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने पिलर इसमें, बजट 2024 में कितने पिलर प्रस्तुत किए गए हैं, तो 9 पिलर प्रस्तुत किए गए हैं, 9 पिलर प्रस्तुत किए गए हैं। ये 9 पिलर जो है विकसित भारत की प्राथमिकताएं हैं, और ये 9 पिलर मिलकर विकसित भारत की ओर ले जाएंगे, भारत को विकसित भारत बनाने की कोशिश करेंगे। 9 पिलर कौन कौन से हैं, पहला है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलन नीतियां, दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, तीसरा पिलर है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, चौथा पिलर है विनिर्माण और सेवाएं, पांचवा पिलर है शहरी विकास, छठा पिलर है ऊर्जा सुरक्षा, सातवां पिलर है अवसंरचना, आठवां है नव प्रवर्तन अनुसंधान और विकास, नौवां है अगली पीढ़ी के लिए सुधार। ये सब कुछ आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जरूर याद कर रखेंगे कि 9 पिलर हैं बजट 2024 के लिए, 9 पिलर हैं जो विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हैं।
केंद्रीय बजट 2024 के कर प्रस्ताव के बारे में अगर हम बात करें, टैक्स रिज्यूम के बारे में बात करें, तो टैक्स रिज्यूम में कुछ सुधार किया गया है। जो पुराना टैक्स रिज्यूम है उससे कुछ परिवर्तित कर दिया गया है न्यू टैक्स रिज्यूम में। तो नए टैक्स रिज्यूम इस प्रकार से हैं, नई कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है, सरकार के अनुसार नई कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है, और 0 से 3 लाख रुपए तक कोई भी कर नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं है, 0 रुपया है। 3 लाख से 7 लाख तक 5% है, 7 लाख से 10 लाख तक 10% है, 10 लाख से 12 लाख तक 15% है, और 12 लाख से 15 लाख तक 20% है। उसके बाद 15 लाख से ऊपर आय पर 30% टैक्स का प्रावधान है। तो जिसमें वेतनभोगी कर्मचारियों की मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, 50,000 से 75,000 किया गया है, और पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया गया है। उसमें एक साल में औसत रूप से देखें तो 17,500 तक की बचत को 17,500 रुपये तक की बचत हो जाएगी एक करदाता को, ऐसा सरकार का कहना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 9 पिलर जो हैं विकसित भारत की ओर अग्रसित करने के लिए बजट 2024 के जो 9 पिलर हैं, जो ये 9 पिलर हैं, इन 9 पिलर को अलग अलग देखना होगा, इसका समग्र विश्लेषण करने के लिए इन 9 पिलर को अलग अलग देखना होगा। तो 9 पिलर को अलग अलग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से मिल पाए। धन्यवाद।